नमस्कार दोस्तों, मैं सीए प्रभाकर गुप्ता, केजे क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। हमारे साथ सीए कपिल जैन जी हैं। आप इनके वीडियोस तो इन्हीं के चैनल पर रेगुलर देखते ही हैं, लेकिन हम इसलिए यहाँ पर बैठे हैं कि कपिल जी जब बात करते हैं तो सिर्फ अपनी बारे में बताते हैं, लेकिन हमारे मन में भी कुछ डाउट्स होते हैं, तो जो व्यूअर्स के डाउट्स हैं उसको पूछने के लिए कि भाई आज हम जरा कपिल जी से सीधे सीधे पूछें कि भाई जो आपके मन में आप वो तो बता रहे हैं, लेकिन व्यूअर्स के जो डाउट्स हैं उसको हम लोग कैसे दूर कर पाएंगे, तो आप उसके बारे में हमें बताइए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टैक्स ऑडिट से रिलेटेड। बेसिकली कपिल जी, इंडिविजुअल्स की तो आईटीआर सबकी फाइल हो चुकी है, अब सिर्फ जो बची है वो कंपनीज की आईटीआर बची हैं और टैक्स ऑडिट की बची है। अब एक क्वेश्चन जो कपिल जी अक्सर आता है कि पहली बात तो ये है कि टैक्स ऑडिट कितना टिपिकल है आज के सिनेरियो में अगर हम बात करें, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, और जैसे हम इंडिविजुअल्स की आईटीआर की बात करते हैं कि आप आज अपना ई वेरिफिकेशन करते हैं, विद इन 24 आवर्स आपको असेसमेंट वगैरह 143(1) का नोट आपके पास लेटर आता है, आपका डिमांड या रिफंड बिल्कुल आ जाता है। तो क्या ऐसा कुछ टैक्स ऑडिट के अंदर भी होगा? और यदि ऐसा होगा तो जो मुझे एक डाउट क्रिएट होता है वो ये होता है कि अब अगर हम टैक्स ऑडिट में कोई इन्फॉर्मेशन यदि हमने कोई गलत डाल दी, तो पहले क्या था कि ठीक है यार, हो सकता है साल 6 महीने बाद कभी ऑफिसर चेक करेगा तो पता चलेगा, तो मे बी पॉसिबल कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया कि अगर हमारी छोटी सी भी गलती हो गई तो तुरंत नोटिस आपके पास में, 24 घंटे बाद आप रात को भर के जाओगे, सुबह आपके पास में नोटिस की कॉपी आ जाएगी। बिल्कुल। तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या हमें अभी भी वही सिस्टम फॉलो करना चाहिए? खासतौर पर फीस के मामले में पूछना चाहूँगा कि क्या हमें वही सिस्टम फॉलो करना चाहिए कि यार हमारे पास आज भी कई बार लोग आ जाते हैं जो टैक्स प्रोफेशनल होते हैं अदर देन जो चार्टर्स होते हैं, सर हमारे टैक्स ऑडिट को आप साइन कर दीजिए, हमने पूरी रिपोर्ट तैयार कर दी है, और उसके बहुत मामूली फीस वो ऑफर करते हैं। कई बार वो इतनी कम होती है वो मैं बताना भी नहीं चाहूंगा कि यार यहाँ पे मैं बोलूँ तो आपको हंसने लगोगे कि चार्टर्ड होकर के ऐसी फीस आपके पास ऑफर होती है, लेकिन बहुत ही कम फीस ऑफर होने लगती है। तो एज एन इंडिविजुअल मैं तो खैर स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे काम करता ही नहीं हूँ, हमारे पास तो सिर्फ अपने ही क्लाइंट्स हैं जिसके हम टैक्स ऑडिट करते हैं, किसी और की नहीं करते। लेकिन यदि इस तरह का आता है तो हम अपने चार्टर्ड प्रोफेशनल्स जो हैं उनको हम क्या सलाह दें कि क्या हमें इस तरह के ऑफर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, और यदि करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए भैया, पहले ना मैं क्लियर कर दूं, हम आज बात टैक्स ऑडिट की तो करेंगे ही, साथ में हम बात करेंगे जीएसटीआर 99C की भी, हम बात करेंगे किसी और प्रोफेशनल वर्क की भी, चाहे वो नोटिस का रिप्लाई है चाहे अपील फाइलिंग है, हम सारी चीजों की बात यहाँ पर करते हैं। ठीक। अब यहाँ पर मुद्दा ही आता है कि फीस कम क्यों ले। अब आप ये कहोगे फीस कम तो कोई लेना चाहता ही नहीं, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसे ज्यादा फीस मिले, बिल्कुल मार्केट रेट से ज्यादा फीस उसकी हो, ठीक है ना, लेकिन क्लाइंट देता ही नहीं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है जी। तो मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स में ऐसी चीजें करी हैं कि जहां पर क्लाइंट आपको फीस देता है लेकिन बशर्ते आप डरे नहीं। बिल्कुल। अब मैं एक एक चीज को उठाता हूँ आपकी, जैसे आईटीआर की फीस है, ठीक है, सब लोगों ने ली, 500 भी ली, 1000 भी ली, 2000 भी ली, 5000 भी, 7000 भी जी। लेकिन आईटीआर के अंदर जो एलिमेंट होता है उसमें मुद्दा क्या है कि एक फॉर्म 16 आया, हमने उसकी आईटीआर फाइल कर दी, डेट शीट। अगर आप सिर्फ यही काम करोगे तो आपको फीस इतनी ही मिलेगी। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति की आईटीआर में आप ये बता दें कि भाई तुम्हारा जो टैक्स बन रहा है वो 2 लाख रुपये बन रहा है, लेकिन अगर आप मुझसे आईटीआर भरवाओगे तो टैक्स प्लानिंग करके, ना कि टैक्स इवेजन करके, मैं टैक्स प्लानिंग करके आपकी फीस इतनी कम कर सकता हूँ, इतना टैक्स कम कर सकता हूँ, आपका जो ये फॉर्म 16 है या जो आपकी डिटेल्स है गड़बड़ है, आपने कुछ खर्चे डाले ही नहीं है, ये सारी चीज़ें अगर आप उसे बताओगे तो वहाँ पर आप डील कर सकते हो क्लाइंट से कि भाई अगर आईटीआर भरवानी है जो तुम लेकर आए हो उसी बेस पे आईटीआर भर दूंगा तो मेरी फीस 5000 रुपये या 2500 रुपये। ठीक बात। लेकिन अगर आप टैक्स प्लानिंग करवाओगे तो जितना टैक्स आपका बचा उसका 50% लूंगा, 20% लूंगा, 30%। लेकिन ये चीज़ आप कब कर सकते हो, इस बात को समझना, ये चीज़ आप तब कर सकते हो जब आपके पास समय है। बिल्कुल ठीक बात। अगर आप ये चीज़ लास्ट डेट पे कर रहे हो आप कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो यहाँ पर पहला मुद्दा ये है कि आपके पास समय होना चाहिए। अब समय कब होगा, आपने 500 आईटीआर कर रखी है, आपके पास 100-150 टैक्स ऑडिट है तो आप वहां पर फीस ले ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही बात। तो पहली चीज तो क्या है कि वर्क की जो है ना क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। अब अगर मैं टैक्स ऑडिट की बात करूं
तो टैक्स ऑडिट में क्या होता है, कई स्टेजेस पे काम होता है। पहली स्टेजेस होती है कि टैली या बिजी या किसी भी सॉफ्टवेयर में डेटा को फाइनल करना। दूसरी स्टेज होती है कि भाई उसे एक्सेल में उसकी ड्राफ्टिंग करना। तीसरी स्टेज होती है कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट करना। चौथी स्टेज होती है कि कई बार उसकी आईटीआर भी हम ही भरते जी। तो अगर आप किसी को बोलोगे कि भाई मैं तुम्हारा टैक्स ऑडिट करूंगा और इसकी फीस 10,000 रुपये लूंगा, तो हो सकता है सामने वाले को ज्यादा लगे, 15,000 बोलोगे ज्यादा लगे। लेकिन अगर आप ये बोल दो कि मैं तुम्हारे डेटा फाइनल करने के 5,000 रुपये लूंगा, तुम्हारे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के 5,000 लूंगा, तुम्हारी आईटीआर के 5,000 लूंगा, ठीक है ना, तुम्हारे इस काम के 5,000, तो जब आप किसी चीज को बायफरगेट कर देते हो तो वो उसके चार्जेज आपको ज्यादा मिल जाते हैं। और आपको उसे बताना भी पड़ेगा कि अल्टीमेटली आप क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली जैसे आपने इसमें कहा टैक्स ऑडिट कर रहे हैं तो कहेगा सर आपको एक ही तो काम करना था, लेकिन आपको यहाँ पे काम करने थे 4-5। बिल्कुल। और कुछ रिपोर्ट्स भी आपको बनानी होंगी, कुछ आपको एनेक्जर्स भी आपको तैयार करने होंगे, तो आपको बताना पड़ेगा कि भैया ये इतने सारे काम है जो मुझे करने हैं। बिल्कुल। अब आप चाहे तो मुझे अलग अलग सबकी फीस दे दो, नहीं तो ये कोई काम ऐसा हो आप बोल दो, बोल दो कि आईटीआर मैं फाइल नहीं करूंगा। बिल्कुल। अगर आप फीस कम देना चाहते हो तो आप आईटीआर अपने किसी और प्रोफेशनल से करा लो, या जो आपने अपने यहाँ पर सैलरी एम्प्लॉय रखा हुआ उससे करा लो, तो वहां पर आपको फीस ज्यादा मिल जाएगी। तो पहला मेथड फीस बढ़ाने का ये है कि आप उसे बायफर्गेशन करो। अब दूसरी चीज क्या है, अगर आपके पास कोई आता है ये कहकर कि भाई ये मैंने सब कुछ तैयार कर लिया, सिर्फ स्टैंप लगानी है, आप उसकी फीस बता दो, तो अगर आप वहां पर स्टैंप लगाने की सिर्फ फीस लोगे तो वो आपको उतनी ही देगा। बिल्कुल। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि सर मैं स्टैंप लगाने के तो 5,000 लूंगा, लेकिन स्टैंप लगाने से पहले देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मुझे चेक करनी है, क्योंकि मैं साइन कर रहा हूं, मैं साइन कर रहा हूं, तो उस डेटा को चेक करने के, उस बैलेंस शीट को ड्राफ्ट करने के, उस आईटीआर को करने के मेरे इतने चार्जेस होंगे। तो अगर ये सारी चीज आप कर लेते हो, सारा आप मुझसे मत कराओ, आईटीआर मुझसे मत कराओ, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आप पूरी भर कर लाओ, पूरा ही, अब आप समझो एक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में होता है स्टॉक की डिटेल। हाँ। स्टॉक की डिटेल अगर आप उठाकर देखोगे 70-80% टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होती है उसमें नॉट एप्लीकेबल आता है। लेकिन अगर आप किसी क्लाइंट से ये बोल दो कि आप मुझे बताओ कि ओपनिंग स्टॉक आपका कितना था, ड्यूरिंग द ईयर परचेज कितनी करी, ड्यूरिंग द ईयर सेल्स कितनी करी, कंज्यूम कितना हुआ, मुझे क्वांटिटी वाइज दो, अगर वो क्लाइंट आपको देगा उसे 10 दिन लगेंगे देने। बिल्कुल ठीक बात। और 10 दिन के बाद भी हो सकता है वो सही डिटेल नहीं देगा। तो अगर वो काम आप खुद करोगे तो उसकी वैल्यू नहीं आएगी। तो आप क्या बोलो उसे कि भाई ऐसा इसमें स्टॉक की डिटेल मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए, तू दे दे। और अगर ये काम तुम हमसे कराना चाहते हो तो भाई इसके एक्स्ट्रा चार्ज। तो आपके पास अगर कोई व्यक्ति आ गया, आप मना मत करो उसे, मैं ये नहीं कहता कि मना कर दो, आप उसे कहो मैं इसे चेक करूं, देखो मैं साइन और स्टैंप करूंगा, लेकिन स्टॉक की डिटेल तो जब वो स्टॉक की डिटेल नहीं दे पाएगा तो भाई मैं तो साइन नहीं कर पाऊंगा, या तो मैं बनाऊंगा इसे या इसे आप बना लो। तो आप क्या करो, टुकड़ों में उसे बायफर्गेशन कर लो। बिल्कुल। कि भाई टीडीएस की ये वाली डिटेल लिया, जीएसटी की ये वाली डिटेल लिया, तो जब वो डिटेल कोई भी प्रोफेशनल आपके पास आएगा लेकर, अगर वो सारी डिटेल आपके हिसाब से लाता है, अब एक क्वेश्चन वो कहेगा कि आप तो ये मांगते हो, कोई दूसरा नहीं मांगता। दूसरा क्वेश्चन ये क्या होगा कि भाई आप इतनी सारी चीजें मांग रहे हो, दूसरा नहीं मांगेगा। तो आप उसे सीधा एग्जांपल दे दो कि भाई देख, अगर तू किसी लोकल डॉक्टर के पास जाएगा, हो सकता है कि वो तुझे तेरे को देख के ही दवाई दे दे, वो इतना तेजस्वी हो, लेकिन मैं इतना तेजस्वी हूं नहीं, ठीक है ना। बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं कि आप रिपोर्ट लेकर जाओ, वो कहता भाई साहब ये तो 10 दिन पुरानी है, 5 दिन पुरानी है, मुझे नहीं, आप आज की रिपोर्ट दे ले लो, वो दोबारा टेस्टिंग कराता है। हाँ, कराता है। तो आप उसे कह दो कि भाई साहब मैं तो बिना इन चीजों के नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो जब आप ऐसे करोगे तो आपकी जो फीस है वो बढ़ जाएगी। इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि भाई क्लाइंट को भी इस बात को समझना चाहिए, एज ए प्रोफेशन मैं बात कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली बुक्स किसकी फाइनल हो रही है, आपकी। बिल्कुल। और एक पुरानी कहावत है कि भैया चाहे खरबूजे पे चाकू गिरे या चाकू पे छुरी पे खरबूजा गिरे, कटेगा क्या, खरबूजा ही। तो यदि आपकी बुक्स प्रॉपर नहीं वेरीफाई हुई है, अगर सीए से आपने कह दिया कि चलो मैंने तो काम करवा लिया, ये ठप्पा लगवा दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपका असेसमेंट हो गया जी, सब कुछ सही हो जाएगा। और अब जब इतना कुछ ऑनलाइन हो चुका है, इतना सॉफ्टवेयर वो हो चुके हैं आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी जबरदस्त हो चुकी है, सर 5 मिनट के अंदर आपकी सारी गलतियां हाथ में आ जाएंगी और अल्टीमेटली मरेगा कौन, आप। तो सीए कह देगा भैया तुमने मुझे जितनी फीस दी मैंने तो साइन कर दिए, इसके अलावा मैं क्या करूँ, और बाद में जो इंटरेस्ट पेनल्टी जो आएंगी वो फिर आप। अब कई बार ऐसा होता है इसमें कि जो पिछली आईटीआर से
या जो पिछली टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है आप उसे देख सकते हो। हाँ। तो जब आप उसे वेरीफाई करोगे, मान लो आपके कोई नया क्लाइंट आता है, अगर आप उसे वेरीफाई करोगे तो आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट या एज ए प्रोफेशनल 10 गलतियां निकाल सकते हो। हाँ। और आप कह सकते हो कि भाई साहब ये चीजें इन्होंने तो नहीं करी, नहीं करी थी, ठीक है मैं इसे करूंगा, तो मेरे तो चार्जेज यही रहेंगे। तो हर व्यक्ति का काम करने का स्टाइल अलग है, तो काम को मना मत करो लेकिन उसे बाइफर्गेशन करो और ज्यादा से ज्यादा काम। मैं तो कई बार भैया क्या करता हूँ, मेरे जो क्लाइंट होते हैं 2, 4, 10 जितने भी है, वो अपना TDS खुद जमा करते हैं, सही बात, वो अपना एडवांस टैक्स खुद जमा करते हैं। मैं उन्हें यूजर आईडी पासवर्ड दिए रखता हूँ कि भाई अगर तुझे अपनी ITR निकालनी है खुद निकाल ले, मुझे परेशान मत करिए। उससे रीजन क्या होता है कि मान लो अगर किसी ने TDS जमा करा और उसने गलत जमा कर दिया, अब समझना मेरी बात को, TDS किसी ने जमा करा और गलत जमा कर दिया और असेसमेंट ईयर गलत हो गया, अब क्लाइंट को तो डर हो गया कि इसका क्या करे। अब अगर आप उसकी भी फीस नहीं लोगे, जब आप उसे सही करोगे तो आधा घंटा तो लग ही जाएगा, सही बात है, एक घंटा तो लग ही सकता है, तो आप उसकी भी फीस ले सकते हो कि भाई चाहे नॉमिनल लो, हर छोटे से छोटे काम की फीस लो, आप उसे जाहिर करो। आपको कभी अगर चाहिएगा तो मैं आपको एक कोटेशन का फॉर्मेट दूंगा, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो हमारी टीम को, हम आपको एक कोटेशन का फॉर्मेट दे देंगे, उसमें भैया आप देखना कि मैं कोटेशन कैसे देता हूँ। उसमें मैं हर चीज़ की अलग अलग बायफर्गेशन करता हूँ कि भाई ये अमाउंट आपको चाहिए, ये चीज़ें देनी है। तो आप अगर ये चीज़ें करोगे, अपनी नॉलेज को बढ़ाओगे, आप सामने वाले को पहले ये बताओ कि आपको नॉलेज है। जैसे भैया हमारी जो फ्लायर की सर्विस है, इस वाली सर्विस में हम क्या करते हैं कि आपके जितने भी क्लाइंट होते हैं उन्हें पता लग जाता है इस व्यक्ति को नॉलेज है। बिल्कुल। कैसे पता लग जाता है इस चीज़ को समझो, आपने क्या करा, फ्लायर की सर्विस ले ली, फ्लायर की सर्विस लेने के बाद आपके क्लाइंट के नंबर आपके मोबाइल में और आपका नंबर उनके मोबाइल में, आप जब स्टेटस लगा रहे हो महीने में 20-30 स्टेटस लगा रहे हो कि भाई नया ये चेंज आया, GSTR 3B की डेट ये है, 1 की डेट ये है, टैक्स ऑडिट की क्लोज में ये लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है, जब वो डेली स्टेटस देख रहा है नीचे आपका नाम आ रहा है, आपकी फर्म का नाम आ रहा है, तो उसे लग रहा है कि इस व्यक्ति में नॉलेज। बिल्कुल। और आप उसमें नोटिफिकेशंस भी जितने रेगुलर नोटिफिकेशंस आप शेयर कर रहे हो, सर्कुलर शेयर कर रहे हो, तो उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। पहले आप उसे दिखाओ कि आप पे नॉलेज है, जब आपकी वो नॉलेज की बात करेगा तब वो आपको पैसे देगा। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट भैया ऐसे आते हैं जो अपना टैक्स ऑडिट कहीं और करा रहे हैं, अकाउंटिंग कहीं और करा रहे हैं, GST का काम कहीं और करा रहे हैं, लेकिन जब वो मेरे पास आते हैं तो मुझे कम से कम 2 लाख रुपए फीस दे गए, 1 लाख फीस दे गए, 50,000 दे गए, क्योंकि उन चीजों की आप पहले से वर्थ तो काउंट करो। अभी एक व्यक्ति आया मेरे पास, अब उसने कहा कि मेरा रिफंड क्लेम करना है, मान लो तो रिफंड क्लेम में आपने इकट्ठा बोल दिया 50,000 रुपए लगेंगे, तो अगर आप उसे 50,000 रुपए बोलोगे कहेगा यार पता नहीं किस बात के 50,000 मांग रहा, आप उसे बोल दो कि 12 महीनों का रिफंड है आपका, 24 महीनों का रिफंड है, ठीक है ना, मैं तो 2,000 रुपए महीना लूंगा, तो जैसे ही आप उसे बोलोगे कि 2,000 रुपए महीना लूंगा तो वो कंपेयर करेगा, यार रिटर्न फाइलिंग के तो 3 लगते हैं, ये तो रिफंड के 2,000 मांग रहे हैं, तो आप उसके माइंड के साथ थोड़ा सा प्ले कर सकते हो। तो ऐसा मेरा मानना, ये मेरे व्यूज है। जैसा कि बाटा कंपनी भी जब अपने जूते बेचती है तो क्या करती है, 1999.95 पैसा, आपको मालूम है 95 पैसे आजकल कहाँ चल रहे हैं, वो 2,000 रुपए का रेट नहीं रखेंगे, वो 1999.95 पैसा थे। तो अगर किसी ने फ्लायर की सर्विस नहीं लिया ना, उसे लो, सामने वाले क्लाइंट्स की नॉलेज बढ़ाओ, उसे दिखाओ कि आप में नॉलेज है। तो चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कपिल जी, और मैं अपने सभी प्रोफेशनल्स के साथ को भी ये बताना चाहूँगा और उनसे कहूँगा कि अगर आपने इस वीडियो पूरा देखा है तो इस बात को आप भी अपने अंदर, एक तो जो कपिल जी ने बताया, पहली चीज़ ये कि काम वो कीजिए जो क्वालिटी के साथ हो सके। लास्ट डेट वाले जो क्लाइंट्स हैं, मेरा अपना पर्सनल मानना है कि आप उनका काम मत कीजिए, क्योंकि वो क्या है, वो चाहते ही ऐसे बंदे के पास जाना चाहते हैं कि वो आपको लालच देंगे, सर मैं आप मेरे से काम करवा लीजिए, मेरा काम कर दीजिए, मैं आपको फीस दूंगा। वो पिछले साल भी किसी ऐसे के पास ही गए होंगे, उसको फीस नहीं दी होगी, इस बार वो आपके पास आ गए और अगली बार वो किसी तीसरे के पास जाएंगे, वो आपके क्लाइंट नहीं है। तो अपना पूरा टाइम लीजिए, और दूसरी आपकी अपनी प्रोफेशनल डिग्री है उसका ख्याल रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर भी कोई इंक्वायरी कल को बैठ जाए। ठीक है, अभी और ITR की जो हुई है उसमें नोटिस आ रहे हैं जिन्होंने प्रॉपर फाइल नहीं करी है, अब उसके नोटिस का रिप्लाई देने में उन्हें इतना टाइम लग जाएगा। बिल्कुल, तो आप क्लाइंट को बताइए कि भैया मेरे को टाइम लगेगा। अब जैसे कि हम आपको बताएं कि अभी इंडिविजुअल्स की, कपिल जी मैं बता रहा हूँ कि इंडिविजुअल्स की जब ITRs का टाइम था तो हमने 20 जुलाई के बाद में ITRs को लेना ही बंद कर दिया। हमारे क्लाइंटों ने बहुतों ने कहा सर अभी तो बहुत दिन है, 10 दिन, हमने कहा हम करेंगे ही नहीं आपकी ITR, आपको जिससे करानी है कराइए, हम नहीं करेंगे, आपके पैसे हमें नहीं चाहिए। कान पकड़ लिए उन्होंने और आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने 5 टाइम्स हमने फीस
ली होगी। हमने कहा भैया आप तो जितनी फीस उसके 5 मिनट दोगे तो हम काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये आपको भी मनाना पड़ेगा। और रियलिटी ये है कि इस कारण हम लोगों ने 30 और 31 दो दिन छुट्टी रखी थी अपने ऑफिस की, हम नहीं कर रहे थे। 30 और 31 को हम लोगों ने फाइल ही नहीं की एक भी आईटीआर। तो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो हमारी जो डेट्स आ रही हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर का महीने हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल्स हैं। तो ऐसा ना हो कि हम लोग भागें कि सर डेट बढ़ जाए। डेट की क्यों चिंता करें, क्लाइंटों को अभी बता दीजिए कि भैया जो डेटा देना है 31 अगस्त से पहले डेटा दो, 15 सितंबर से पहले अपने टैक्स ऑडिट्स को और अपनी स्टेटरी ऑडिट्स को कंप्लीट करें। और एक चीज़ और बता दूँ, हमारा भी जो डिस्काउंट है वो खत्म होने वाला है, उसकी भी डेट एक्सटेंड नहीं होने वाली। तो अगर आपने अभी तक हमारी गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव या रिन्यूअल डिस्काउंट रेट में नहीं कराया तो हमारी टीम से बात करके उसे डिस्काउंट रेट में करा लीजिए, जिससे कि आपको बेनिफिट मिले। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।